वाराणसी से गठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब शालिनी यादव गठबंधन की उम्मीदवार हैं। गुरुवार को शालिनी यादव और तेज बहादुर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेज बहादुर ने कहा कि उन्हें मालूम था कि उनका नामांकन पत्र रद्द करवाया जाएगा, इसलिए उन्होंने शालिनी यादव को पूरा समर्थन करते हुए उनका नामांकन करवाया। तेज बहादुर ने आरोप लगाया कि मोदी डर गए हैं, मोदी और उनके लोग उन्हें क्या हराएंगे, वे सैनिक हैं और सैनिक हराते हैं, हारते नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सपा बसपा के उम्मीदवार शालिनी यादव ने तेज बहादुर को राखी भी बांधी थी। वाराणसी से जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता जो रखी गई है, क्या कारण है इसके बारे में? देखिए, आज हमारे बीच में तेज बहादुर फौजी जी उपस्थित हैं और इन्होंने अपना पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को दिया है इन्होंने, और तानाशाही सरकार के खिलाफ जो इनकी मुहिम चली आ रही है उसको वो उतनी ही हार देते हुए यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे चुनाव तक और मोदी जी को सत्ता से हटाने का प्रयास करेंगे। पार्टी के साथ बसपा समर्थन कर रही है, साथ में तेज बहादुर जी हैं, क्या आंकड़ा इस बार का जाएगा इलेक्शन का? कुछ आंकड़ा जो आपको दिख रहा है कि महागठबंधन की जो ताकत है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जिस ताकत से उसने आगाज अपना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, अब वो ये अभी तो ये बस शुरुआत कि लोग हमसे अब और जुड़ करके खुल के अभी आप आगे देखते जाइए किस तरीके से, क्योंकि एक लहर जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है वो महागठबंधन की। और जैसा कि आप देखते जानते ही हैं कि जब चुनाव अपने चरम पर पहुंचने लगता है तो जनता ही होती है जो डिसाइड करती है कि वो दो लड़ने वाले कौन लोग हैं और उनमें से फिर एक चुनाव किसका करना है। तो दो चुनाव तो उसने कर दिया, अब ये एक जो उसमें से चुनना है उसकी तरफ ये लड़ाई आगे बढ़ रही है।